नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार और आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। आज के खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। मैटर ये नहीं कि रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं, बिहार में बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से एक दुकान है जिसका नाम है बैसाखी सा मिष्ठान भंडार। 500 साल पुराना ये दुकान है और यहाँ पे जो USP है मिठाई का वो रसगुल्ला है और बहुत ही खास तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो बिजनेस है वो रसगुल्ले की चलाई जा रही है। बहुत ही साफ तरीके से और शुद्धता और क्वालिटी के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ही शुद्ध जो मिठाइयाँ होती हैं उसको यहाँ से बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पटना से जो सारण का जो रास्ता है, छपरा का जो रास्ता है, वो शीतलपुर वाला जो हाईवे है जो NH-19 का पे स्थित है। हालांकि ये 500 साल पुराना मतलब यहाँ पे वेल सेटल्ड जो रसगुल्ले का फैक्ट्री है वो यहाँ पे है जो बनाई जाती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स का जो बाइट है वो हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि वो लोग क्या बोल रहे थे कि हम 50 साल से पहले से जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तब से है। और इसकी खासियत है कि बहुत ही शुद्ध रहता है, सबसे स्वादिष्ट और स्पंजी रसगुल्ला सबसे बढ़िया है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। पटना से भी लोग जो आते जाते रहते हैं वो भी यही रूप से जो भी आते जाते गाड़ी है सभी रुक के इनका रसगुल्ला खाते हैं। बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट रसगुल्ला रहता है। अब तक हम केंद्रीय विद्यालय दिल्ली रोड पटना में, मेरा घर यहीं मलखा टेक में है। तो लगता है कि 20 साल से तो हम ले रहे हैं। अच्छा, रसगुल्ला का स्वाद नेचुरल है। अब आजकल थोड़ा घबराया है, पहले इनका दूध वाला ऐसी था, गाय का दूध कम मिलता था तो उसका क्वालिटी था। हम यहाँ से करीब करीब 5,000-10,000 रसगुल्ला का ऑर्डर देते हैं। दूर हमारा घर पड़ता है गोपालगंज के आगे। अच्छा, इधर रहते हैं मधुबनी। अच्छा, लेकिन इधर से पास करेंगे तो यहाँ से रसगुल्ला ले लेंगे। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, रसगुल्ले की बात करें, तो हमको लगता है कि और भी अलग अलग स्टेट्स के लोग लगभग जानते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना है कि सब लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जुड़े ही रहते हैं। और शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, किसी तरह का कोई ओकेजन हो, उसमें यहाँ से मिठाइयाँ लेके जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में तो होती ही है, साथ में और भी अन्य स्टेट्स के भी लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। अदर स्टेट के लोग आते हैं तो ले जाते हैं। अब कोई यूपी के हैं या बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, MP वगैरह इस जो है उधर के भी लोग आते हैं, ले जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि शीतलपुर में ये जगह है और मैं आपको दिखा दूं कंप्लीट कि वैशाखी शाह के नाम से ये दुकान है, श्री वैशाखी शाह मिष्ठान भंडार। तो उपयोगी वीडियो लगे तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर TD न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें TD न्यूज बिहार। नमस्कार।